बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है, ए पावर 4 बी पावर 6 माइनस 144 सी स्क्वायर। यहां पर नंबर है 144 इज द स्क्वायर ऑफ 12। ठीक है, यही हमारे पास दो टर्म्स हैं और फार्मूला यही अप्लाई होगा। ठीक है, अब देखिएगा ए स्क्वायर बी क्यूब होल स्क्वायर मैंने दे दिया माइनस 12 सी और ये होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब हमारे पास जब हम इसको ओपन करेंगे ए स्क्वायर बी क्यूब पॉजिटिव 12 सी, दूसरी ब्रैकेट हमारे पास आएगी ए स्क्वायर बी क्यूब माइनस 12 सी, ये आपका आंसर है। बात समझ में आ गई बच्चों? ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर मैंने 25 लिखा है, कुछ ऐसे क्वेश्चन है 5.1 एक्सरसाइज में आपके पास जिसमें मिडिल टर्म ब्रेक होती है, इसमें कोई फार्मूला यूज नहीं होगा और ना ही आपके पास कोई कॉमन है। हम इसमें जो है पहले मिडिल टर्म हम ब्रेक करेंगे। मिडिल टर्म यानी वो टर्म जो आपके पास एक्स यहां पर रखा हुआ है उसका कोएफिशिएंट, इसको हम ब्रेक करेंगे दो नंबर्स में। वो नंबर्स कहां से आएंगे देखिएगा, आप देखें सॉल्यूशन यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 36। ठीक है, अब जब हम मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे यहां पर एक्स स्क्वायर स्क्वायर वाली जो टर्म है उसका कोएफिशिएंट और लास्ट वाली टर्म 36, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यानी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है और लास्ट वाली टर्म हमारे पास 36 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर का जो है हम फैक्टर फाइंड करेंगे नंबर्स के। ठीक है, 2 की टेबल में यहां पर 18 2 9 3 ये 3 और ये 3 यहां पर बात समझ में आ गई। ठीक है ना, अब इन नंबर्स को हमने इस तरह अरेंज करना है वो दो नंबर्स हमारे पास बनेंगे, या उन नंबर्स को मिलाएं या सब्ट्रैक्ट करें हमारे पास मिडिल टर्म ब्रेक हो जाए। ठीक है, अब देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस का जो 36 से लास्ट टर्म मैंने सेम रखी है, यहां पर मिडिल टर्म के लिए मैंने यानी जगह छोड़ दी। अब देखिएगा यहां पर 2 2 मल्टीप्लाई होंगे और 3 3 आपस में मल्टीप्लाई, हम देखते हैं 3 3 का 9 और 2 2 का 4 9 और 4 को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये बात नहीं बन रही। हम क्या करेंगे 2 2 का 4 4 3 का 12 12 में 3 प्लस करेंगे हमारे पास मिडिल टर्म ब्रेक हो जाएगी। आप देखें 12x प्लस 3x मैंने लिखा, अब हमारे पास हो गई चार टर्म्स। चार टर्म में हमें क्या करना है, ये वाली जो चार टर्म्स हैं ये चार टर्म्स हमारे पास, अब हमारे पास ये वाली दो टर्म्स और ये वाली दो टर्म्स को हमने अलग करना है, दो टर्म्स को अलग करना है, इन दोनों में हमने कॉमन देखना है। आप देखिए इन दोनों में जो कॉमन है वो एक्स है, एक्स प्लस 12 होगा प्लस 3, यहां पर भी एक्स प्लस अंदर 12 आएगा। ठीक है, अब देखिएगा आपके पास यहां पर दो टर्म्स हो गई ये और इनमें कॉमन जो है एक्स प्लस 12 है आपके पास, अब जो है एक्स प्लस 3 और हमारे पास जो फाइनल आंसर है एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 12 और ब्रैकेट तो मैंने आगे पीछे इसलिए लिखा है या यही हमारा आंसर है, ये भी हमारा आंसर है। तो मेरे बच्चों आपको बात समझ में आ गई? ठीक है बच्चों, इसमें भी हमारे पास मिडिल टर्म हम ब्रेक करेंगे, यहां पर आप देखिएगा आर पावर 6 माइनस 10 आर क्यूब है। ठीक है, 10 आर क्यूब लिखा हुआ प्लस 16। ठीक है, ठीक है, अब देखिएगा यहां पर जब हम इसको करेंगे, ठीक है, ठीक है बच्चों, अब हमारे पास हम मिडिल टर्म यहां पर ब्रेक करेंगे, आप आर पावर 6 आप सेम रखें, प्लस का 16 आपने सेम दे दिया। ठीक है, मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए इससे पहले मैंने जो क्वेश्चन किया था उसमें बताया था, मैंने कहा इसका कोएफिशिएंट और लास्ट वाली जो टर्म है कॉन्स्टेंट इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाई 16 जो आपका आंसर आएगा उसके हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे 16 के, 2 8 2 4 2 2 2 1। ठीक है, अब इन नंबर्स को हमने अरेंज करना है इस तरह कि मिडिल टर्म जो ना आपके पास ये ब्रेक हो जाए दो टर्म्स। ठीक है, आप देखिए 2 2 जा 4 4 2 जा 8 और 2 को हम करेंगे प्लस तो आंसर आएगा हमारे पास 10, तो यहां पर माइनस का 10 है तो दोनों वैल्यूज आपके पास नेगेटिव होंगी, दोनों वैल्यूज आपके पास नेगेटिव होंगी, या इन दोनों में जो कॉमन है आर क्यूब है अंदर आएगा आर क्यूब माइनस 8। अब इन दोनों में जो कॉमन है माइनस का 2, जैसे माइनस 2 कॉमन लेंगे तो अंदर ब्रैकेट वाली ये वाली साइन नेगेटिव हो जाएगी और जो ऑलरेडी नेगेटिव है ना इसके साथ वो पॉजिटिव हो जाएगी, तो आर क्यूब
आर क्यूब अंदर जाके माइनस का ये 8 बन गया। ठीक है, अब देखिएगा मेरे बच्चों, यहां पर ये और जो है ना आपके पास ब्रैकेट कॉमन है आर क्यूब माइनस 8। अब आर क्यूब माइनस 8 मैंने बाहर रखा, उसके बाद आर क्यूब माइनस 2 हमने रखा। ठीक है, और आप देखें ये फर्दर और भी होगा, ये देखो ना आर क्यूब माइनस 8, ये आपने फार्मूला एक पढ़ा था ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होगा ए माइनस बी, दूसरी ब्रैकेट जो है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिएगा यही सेम ऐसे फार्मूला यहां पर अप्लाई होगा। अब देखो आर क्यूब हम रखेंगे इस तरह करके माइनस टू, ये जो ना 8 जो है 2 का क्यूब है, और ये आपके पास आर क्यूब माइनस 2 आपका सेम आएगा। ठीक है, अब देखिएगा मेरे बच्चों आगे जो है इसको जब हम करेंगे ना, आगे हमारे पास ये वाला जो क्वेश्चन है वो इस तरह होगा। आप देखिएगा आगे हमारे पास जो क्वेश्चन होगा, अब जिस तरह मैंने ऊपर जो फार्मूला लिखा है आप देखिएगा आर माइनस 2 ये रखेंगे, उसके बाद हमारे पास आर का स्क्वायर पॉजिटिव 2r प्लस 4, और तीसरी जो दूसरी जो ब्रैकेट है ना हमारे पास ये वाली आपकी सेम आएगी। आप देखें r क्यूब माइनस 2 ये इसका आंसर है। ठीक है मेरे बच्चों,